क्रिकेट में रुचि रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो महेंद्र सिंह धोनी को नहीं जानता है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम का ही रिकॉर्ड है, महेंद्र सिंह धोनी मैच को चलाए जानते हैं। इनके पास स्ट्रेटेजी जो समझ है शायद ही किसी के पास हो। इन्होंने अपने निर्णय से कई बार मैच का रूट बदल दिए हैं। संभव तो संभव कर देने वाला नाम महेंद्र सिंह धोनी। धोनी भाई एक कुल खिलाड़ी है जो शांत स्वभाव के हैं। महेंद्र सिंह धोनी आक्रमक बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1983 को झारखंड के रांची में हुआ था। इनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। शुरू की पढ़ाई जवाहर विद्यालय में पूरी की। बचपन से ही धोनी का खेलों के प्रति काफी लगाव था। धोनी बचपन से ही फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिए थे। धोनी अपने फुटबॉल टीम में गोलकीपर थे। फुटबॉल में अच्छे गोलकीपर होने की वजह से फुटबॉल टीम के कोच ने क्रिकेट में हाजमाने के लिए भेज। फिर वह कमांडो क्रिकेट क्लब में खेलने लगे और क्लास 10 तक वह साधारण क्रिकेट खेलते रहे। फिर क्लास 10 के बाद टीटी का एग्जाम दिए। फिर वह ठड़नपुर रेलवे स्टेशन के लिए टीटी की नौकरी करने लगे और उन्होंने 2001 से 2003 तक टीटी की नौकरी। धोनी जॉन अब्राइन के फैन थे, इसलिए वह जॉन अब्राइन की तरह ही लंबे बाल और गाड़ी चलाना पसंद करते थे। वह नौकरी के दौरान रणजी में खेला करते थे। फिर बीसीसीआई की टीम प्रकाश पोद्दार की नजर धोनी पर पड़ी और प्रकाश पोद्दार ने धोनी को नेशनल लेवल पर इंडिया टीम के लिए खेलने की आमंत्रण दी। पहले ही मैच में धोनी ने अर्धशतकीय पारी खेली खेली नहीं तोड़ी। उसके बाद 7 मैचों में 362 रन बनाए थे। उसके बाद भारत ए के कोच संदीप पाटिल ने धोनी को विकेट कीपर और बल्लेबाज के लिए भारत टीम में जगह के लिए सिफारिश की और वह 2004 और 2005 में बांग्लादेश दौरे के लिए सेलेक्ट कर दिए गए। और बांग्लादेश के खिलाफ धोनी रन न बना सके और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सेलेक्ट किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 130 बॉल पर 148 रन बनाए। उसके बाद कई मैच जीतने में धोनी का बहुत योगदान रहा और जिसके बाद राहुल द्रविड़ के बाद वो अगले इंडिया टीम के कप्तान बने। उसके बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत को कई मैच जिताया। 28 साल के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जिताया। धोनी ने इतिहास रच दी। 5 महेंद्र सिंह द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार। 2008 और 2009 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री मिला। इंडियन आर्मी का सम्मान मिला। यह सम्मान पाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय प्लेयर हैं। 2011 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किए गए। 2012 में दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ियों में 16वें नंबर पर। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब द चैनल। तब तक टाटा सी यू। बाय बाय।